आलमी हर्बल दवाखाने के सौजन्य से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और आज जानेंगे आयुर्वेदिक की प्रसिद्ध औषधि के बारे में जिसका नाम है महामृत्युंजय रस। और ये औषधि किन किन रोगों में लाभ पहुँचाती है, किन किन चीज़ों से इसको बनाया जाता है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी पूर्ण जानकारी देंगे। इसकी जानकारी से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि समस्त वीडियो आपको प्राप्त होती रहें और आप उससे पूर्ण लाभ उठाएँ। और जानें इसको महामृत्युंजय रस। महामृत्युंजय रस के अंदर बनाने के लिए शुद्ध हरिताल, शुद्ध विष, शुद्ध जयपाल प्रत्येक एक एक भाग, शुद्ध हिंगुल और कत्था प्रत्येक चार चार तोला लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्य का सूक्ष्म कपड़छन चूर्ण करें। इसके पश्चात अब द्रव्य को एक जगह करके मिलाकर सत्यनाशी के रस में या क्वाथ में एक भावना देकर अच्छी तरह मर्दन करें। गोली बनाने के योग्य होने पर आधी आधी रत्ती की गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर सुरक्षित रखें। गोलियां तैयार हैं। मात्रा और अनुपान, एक एक गोली सुबह शाम मधु और अदरक रस के साथ रोगानुसार अनुपान के साथ दें। इस रसायन का उपयोग नए पुराने ग्रंथिक सन्निपात ज्वर तथा विषम ज्वर आदि में किया जाता है। ये हृदय को उत्तेजना देता है, ग्रंथियों एवं रक्त में रहे कीटाणुओं को नष्ट करता है, प्लेग रोग को दूर करता है, आम और कफ का शोषण कर मल और मूत्रावरोधक को नष्ट करता है। जो दुष्ट ज्वर किसी भी औषधि से ठीक न हो रहा हो तो महामृत्युंजय रस का प्रयोग करने से वो ज्वर ठीक हो जाया करता है। इसमें हिंगुल कीटाणुनाशक एवं बल्ल्य है। हरिताल प्रतिविषारात्मक द्रव्य होने से विष दोष नाशक है। जयपाल रेचन होने से शोधक है। बचनाग ज्वर और नाड़ी की गति को सुधारता है। आप भी इसका प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि समस्त वीडियो आपको मिलते रहें और आप इससे पूर्ण लाभ उठाएं। और आज्ञा दें, फिर भेंट होगी किसी अन्य वीडियो के साथ। आदाब।